मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग। ओके बच्चों, जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। वेरी गुड। ठीक है, तो आज विशेषण करेंगे हम किस चीज का? विशेषण। ठीक है, पार्ट 14 क्या डेफिनेशन बताई विशेषण की आपको? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण के भेद कितने भेद हुए विशेषण के? फोर। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक वाचक विशेषण। हो गया गुणवाचक। गुणवाचक। ठीक है, सेकेंड संख्यावाचक। थर्ड परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। और फोर्थ सार्वनामिक या सार्वनामिक, या इसको कहते हैं सांकेतिक। सार्वनामिक यानी सर्वनाम वाला। ठीक है, सर्वनाम से बना है सार्वनामिक या संकेत वाचक भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, दोनों नाम सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बेटा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपके यहाँ सारी चीजें आएंगी। गुण आएंगे, दोष आएंगे। ठीक है, गुण दोष रंग रूप, रंग रूप। ठीक है, आकार स्वाद। अवस्था स्थानीयता। स्थानीयता यानी जैसे आप बोलते हैं ना, हम सब भारतीय हैं या नेपाली हैं या कुमाऊनी है या गुजराती है, ये स्थानीयता स्थान से रिलेटेड, जिस स्थान को हम बिलोंग करते हैं, जिस स्थान में हम रहते हैं, तो ये हो गया स्थानीयता। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है बेटा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे हमने कहा कि वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, तो बुद्धिमान क्या उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। बड़ा ही वह बड़ा कपटी व्यक्ति है, तो कपटी क्या है? दोष है। दोनों किसके अंतर्गत आ रहे हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। गुलाब लाल रंग का है, रंग है ना। गुलाब सुंदर पुष्प है, रूप सुंदर है ना, तो ये भी इसके अंतर्गत आया। मेज चौकोर है, आकार के अंतर्गत आए। आम मीठा फल है, ये स्वाद के अंतर्गत आया। वह धनी व्यक्ति है, वह बुजुर्ग है, वह बच्चा है, ये सब अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये सब क्या चीज है, इसके अंतर्गत आया अवस्था के। हम भारतीय हैं, ये क्या है? स्थानीयता के अंतर्गत आया। तो सारे किसके उदाहरण है? हमारे गुणवाचक विशेषण के। ठीक है बच्चे, किसके उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण के। ठीक, अब है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? ऐसे विशेषण जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की संख्या में होता है। ठीक, और ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित वे सर्वनाम, सॉरी वे विशेषण जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या में बताए उनको कहेंगे निश्चयवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या जो हमें बताई जाए, जैसे हमने कहा कि कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हैं, 20, तो 20 क्या है? निश्चित संख्या है ना, तो ये क्या होता है? निश्चयवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर हम बोलते कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, कुछ शब्द क्या होगा बच्चे? अनिश्चित संख्यावाचक। अब होगा परिमाणवाचक। परिमाण संख्या और परिमाण दोनों जो है निश्चित और अनिश्चित होते हैं, और दोनों में क्या अंतर हुआ?
जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों को हम या जिन संज्ञा सर्वनाम ऑब्जेक्ट वस्तुओं को या व्यक्तियों को आसानी से गिन लेते हैं, जैसे क्लास में बैठे हुए बच्चों को हम आसानी से गिन लेंगे, काउंटेबल नाउन जिनको आप बोलते हो, काउंट कर सकते हो आप जिनको, है ना, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, संख्यावाचक। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी को हम गिन नहीं पाएंगे, नमक को गिन नहीं पाएंगे, चीनी को या डिस्टेंस को, दूरी को या कपड़े को गिन नहीं पाते, लेकिन इसको भी खरीदते बेचते हैं, इसके बारे में बताते हैं, तो क्या करते हैं इनका, वेरी गुड, इनको नाप लेते हैं, इनका मेजरमेंट होता है, नाप तोल कर लेते हैं, है ना। हमने कहा 5 किलो चीनी, ठीक है, 2 मीटर कपड़ा, तो ये क्या है, नाप तोल। तो जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों को हम जो है गिन नहीं सकते हैं, उनको क्या करते हैं, नाप लेते हैं, वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और जहां पे निश्चित परिमाण आपको दिया होगा वो निश्चयवाचक, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, और जहां पे निश्चित परिमाण आपको नहीं दिया होगा वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, ठीक है, जैसे आपसे कहा गया कि 2 लीटर दूध ले आइए, तो निश्चित आपको परिमाण दिया है, 2 लीटर दूध मंगाया है, ठीक, तो यह हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण। अगर आपसे कहा कि कुछ पानी दे दीजिए, है ना, कुछ पानी पिला दे, तो कुछ पानी ले आइए, क्या कितना लाइए, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है बच्चों, अब है सार्वनामिक, स्वाद, आकार के बाद स्वाद लिखा है, ठीक है बच्चे, इसके बाद ये तो आपका रिविजन है, आपको बुक में भी देख लीजिएगा अपने, और पहले भी आपको ये वॉच करना है बच्चे। अब देखिए सार्वनामिक या सांकेतिक, जब संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम शब्द और वो उस संज्ञा की ओर इशारा करे, संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम शब्द आए उस संज्ञा की ओर इशारा करे, उसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह बालक बहुत रो रहा है, बालक संज्ञा है, वह शब्द क्या है, सर्वनाम है, बालक क्या है, संज्ञा, ठीक है बच्चे, और वह शब्द सर्वनाम। अब देखिए संज्ञा से ठीक पहले क्या लगा, सर्वनाम, सर्वनाम शब्द लिखा गया, यह सर्वनाम शब्द इस संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य कर रहा है, ठीक है, यह सर्वनाम शब्द सर्वनाम होकर यहाँ पे विशेषण का कार्य कर रहा है इस संज्ञा के लिए, तो तब हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक, इसके ओर संकेत कर रहा है सांकेतिक विशेषण, ठीक, याद रखना सर्वनाम से ठीक पहले जब संज्ञा, सॉरी संज्ञा से ठीक पहले जब सर्वनाम आए तो वो क्या हो जाएगा, सांकेतिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, बाकी संज्ञा के स्थान पर जब सर्वनाम आए तो वो सर्वनाम ही होता है, ठीक। अब देखेंगे विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है बच्चों, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं हुई, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और समावस्था। हमने कहा राम अच्छा लगता है,
किसे के साथ इसकी तुलना की हमने? मैम नहीं की। जब तुलना नहीं हो रही है तो ये मूल अवस्था, उत्तरा अवस्था दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों या दो जगहों के बीच में किन्हीं भी दो चीजों के बीच में तुलना जहाँ पे होगी। था राम और श्याम में से राम अच्छा लड़का है, राम और श्याम अब दो लोगों के बीच में से हमने तुलना की, ठीक। और एक को चुना, राम और श्याम दो लोगों के बीच में जहां पे तुलना हुई वो क्या हो गया बच्चा? उत्तरावस्था, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के बीच में जब हम एक को चुनते हैं तो वो क्या हो जाती है? राम सबसे अच्छा, उत्तमावस्था, ठीक है। तो राम सबसे अच्छा बच्चा है तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोगों के बीच में सबने राम को चुना, ठीक है। राम सबसे अच्छा लड़का है, समझ गए आप? मूल अवस्था कोई तुलना नहीं होती, उत्तरावस्था दो लोगों के बीच में तुलना होती है, उत्तम अवस्था बहुत सारे के बीच में से एक को चुनते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके वेरी गुड। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों की जो बुक है, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज जो है वो आप लोग करेंगे बेटा होमवर्क में, ठीक है बच्चों। जैसे एक्सरसाइज नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। जो जो विशेषण क्या होगा? जोशीला। अनुभव का क्या बन जाएगा? अनुभवी। इतिहास का? ऐतिहासिक, ठीक है। बाहर का? बाहरी, वेरी गुड। वन का? वन का जंगल है बच्चे, वननीय वननीय, ठीक है। स्मरण का? स्मरणीय, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी आप लोग इनको लिख लेंगे, उसके बाद प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण शब्द को छांटिए और उनके भेद लिखिए। विशेषण शब्द को पहले हमें चूज कर लें, बताने कौन सा विशेषण शब्द है और उसके बाद उसके भेद लिखने। जैसे यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, कौन सा शब्द है इसमें विशेषण? अत्यंत, ठीक है। और अत्यंत किसमें आएगा? सावरनामिक, गुणवाचक, हम मात्रा बता रहे हैं ना। रमेश तुमसे दुगुना मोटा है, मोटा, ठीक है। दशहरा हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है, ठीक है। आज मैंने 4 केले खाए, नेहा दुकान से 10 मीटर कपड़ा लाई, ठीक है बच्चों। नीचे लिखे संज्ञा शब्दों से पहले उचित विशेषण शब्द लगाइए। खेत, खेत से पहले क्या है? लहराते, लहराते खेत, ठीक है। मंदिर, सुंदर। संस्कृति, विशाल, विशाल संस्कृति। मनुष्य, बुद्धिमान। जो भी साड़ी, नीली पीली, जो भी गुलाब, सुंदर। सबके पीछे लगा लगे आप, ठीक है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था लिखिए। उच्च, उच्चतर और उच्चतम, ये भी आप लोग करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आप लोग जो है घर जाके एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है बच्चे। जो चीज नहीं समझ आएगी पूछ लेंगे, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।